अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साध्वी रितंबरा द्वारा 27 अप्रैल से 4 मई तक भागवत कथा ज्ञान गंगा का रसास्वादन नगर की मंडी प्रांगण में कराया जाएगा। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पावन कार्य हेतु भूमि पूजन चैत्र शुक्ल द्वादशी सोमवार 3 अप्रैल को साधु संत व विद्वान ब्राह्मणों सहित रितंबरा की शिष्या सत्यप्रिया दीदी व सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर करेरा बगीचा सरकार धाम से रुद्र चैतनपुरी महाराज, आचार्य ब्रह्मदेव, शास्त्री झंडा वाले जीतूदाव महाराज, रामदाव महाराज एवं प्रभा जसवंत चाटापुर विधायक व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम सहित उनके परिवार के सभी सदस्य व अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए क्या कहा दीदी रितंबरा की शिष्या सत्यप्रिया जी ने। रिपोर्ट संजय गुप्ता, बिलया करेरा। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमित संग्रामे संघटे च विघ्नस्तस्य सुकलाम्बरधरामदेवं सुवर्णं प्रसन्नपदमध्याये सर्वगुणो उपशान्ते सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरे हम संपूर्ण शिवपुरी जिला का ही सौभाग्य है परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के द्वारा यहाँ पर 27 अप्रैल से 3 मई तक श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन यशवंत जी के यजमान में संपूर्ण क्षेत्र के आयोजक में यह अनुष्ठान होने जा रहा है। आज जिस भूमि पर यह अनुष्ठान होगा उसका भूमि पूजन का और वहाँ पर हनुमंत लाल की ध्वजा को स्थापित होने का कार्य हो रहा है। चूँकि हनुमंत लाल जो है राम जो कथा की रसिया जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ हनुमंत लाल जी बैठे हैं और संपूर्ण बड़े बड़े कार्य को करने की सामर्थ्य हनुमंत लाल जी में ही है तो उनका आह्वान किया जा रहा है कि इस अनुष्ठान को वो अपनी शरण में लेकर के उसको निर्विघ्न पूर्ण कराएं। हनुमंत लाल जी इस अनुष्ठान को पूर्ण कराएं। ध्वजा स्थापित करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ जिस स्थान पर कथा होगी वहाँ पर भूमि पूजन का कार्य। यह अनुष्ठान 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण है और संपूर्ण क्षेत्र के सहयोग से होगा और चूंकि पूज्य दीदी माँ स्वयं इस कथा में करने के लिए आ रहे हैं तो संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक उत्साह है और बड़ी संख्या में सब भक्त आकर के इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे क्योंकि धर्म ही है जो हम सबको सुख शांति के पथ पर चलना और कैसे जीवन को जीना ये कथा ही सिखाती है। कथा जीवन जीना ही नहीं अभी तो मृत्यु भी कैसे सुंदर होगी मैं भी हम भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं तो कथा हम सबके मंगल के लिए है और वैसे भी भागवत कथा का जो अनुष्ठान होता है वह समष्टि कल्याण का यज्ञ है। जड़ जंगम कीट पतंग वनस्पति सबके तारने का यह साधन है तो संपूर्ण क्षेत्र का सौभाग्य है कि उनको यह अवसर प्राप्त हुआ। अप्रैल को आपने भूमि पूजन और ध्वजा स्थापना किया इसका महत्व क्या है थोड़ा बताएं। ऐसा होता है कि जिस भूमि पर कथा होने जा रही है जब हम अपने घर का के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम भूमि का भी पूजन करते हैं, गृह प्रवेश भी करते हैं तो भी पूजन करते हैं और ये तो संपूर्ण क्षेत्र के लिए इतना बड़ा महोत्सव है तो कैसे हम उस भूमि की पूजन ना करें। और दूसरी बात कि इतना बड़ा ये अनुष्ठान है तो हम सब तो इस कार्य को संभाल नहीं सकते तो हनुमंत लाल जी को स्थापित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और इस संपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेकर के हम सब कर्ता भाव से ना होकर के बल्कि आप हमें निमित्त बना करके इस आयोजन में लगाएं पर आप जब सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे तो सारा कार्य बहुत सुंदर तरीके से होगा।